तमाम सुन्नी हनफी बरेलवी भाइयों को मेरा सलाम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो मोहतरम सामने एक और वीडियो लेकर मैं आया हूँ। देखिए किस तरह मुस्लिम बहन हमारी गैर मुस्लिमों के साथ किस तरह बैठी है ये बाइक पे, और वहाँ के गांव वाले जितने भी थे वो उसको पकड़ लिया गया और यहाँ पे सारा सवाल पूछने लगा कि तुम इस तरह क्यों कर रही हो, ऐसा हरकत क्यों कर रही है, तुमको ये कैसे पसंद आ गया, इस तरह तुम मुर्तद हो गई है, कैसे मतलब ये सब काम कर रही है। तो मैं अपने तमाम भाइयों से गुजारिश करूँगा, आप लोग अपने घर में और घर में तमाम बहन बेटियों को आप लोग ध्यान रखें। इस तरह का मामला बहुत ही ज़्यादा फैल रहा है और ऐसा हो रहा है। ये जितने भी भगवा आतंकी है सब हमारे मुस्लिम लड़कियों के पीछे पड़ा हुआ है। आप लोग इस पर ध्यान दें क्योंकि इस तरह का मामला बहुत ही ज़्यादा आ रहा है। तमाम मुस्लिम भाइयों से गुजारिश है अपने घर का ख्याल रखें, अपने बहन बेटियों का ख्याल रखें और इस तरह ध्यान रखें कि ऐसा ना हो कि हमारा मुस्लिम बहन जो है गैर मुस्लिमों के साथ ऐसा हरकत कर बैठे। और आगे इस आप वीडियो में देखें ये कितने गाँव वाले मिलकर इसको घेर लिया है, मगर हम लोग क्या कर सकते हैं क्योंकि हमारा बहन बेटियाँ ही इस तरह कर सकती है, मगर हम लोग को ध्यान रखना है मेरे भाइयों। इस पर ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा रखें आप लोग वीडियो को देखें। भले ही बुला लो लेके जाएंगे ना बड़े पापा को मुसलमान के मर गए थे तो तुम्हें ये भड़ुआ मिला खाला तहफ़्फ़ुज़े नाम और रिसालत हर जगह घूम रहे हैं और दीन पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगा रहे हैं, हर जगह घूम रहे हैं, इलाके में घूम रहे हैं। तो आप लोगों को चाहिए भी आप लोग इनका सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें क्योंकि इस तरह हर इलाके में होना चाहिए और दीन पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगना ही चाहिए क्योंकि आज हमारी बहन बेटियां दीनी पढ़ाई पढ़ने में बहुत ही कमज़ोर हो गई है और पढ़ना नहीं चाहती है, मगर हम लोगों का ध्यान देना है। इस तरह का पढ़ाई बहुत ही देना ज़रूरी है, नहीं तो हमारी बहन बेटियां हमारे हाथ से निकल जाएगी और गैरों के साथ चले जाएगी। इस भाई को मैं सलाम करता हूँ, आप इस भाई की वीडियो सुने। ये सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मेलिटी के लिए बैनर नहीं लगाए जा रहे हैं, बल्कि हमें गफलत की नींद से जगाने के लिए हम यहाँ मौजूद हुए हैं। हम सब ये जानते हैं कि हमारी कौम की बेटियाँ कितनी मुर्तद हो रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह है दीन से दूरी। हमें सबको ज़रूरी है, हमारी अहम जिम्मेदारी है कि हमें अपनी बेटियों की हिफाजत करना है। हम अपने मोहल्ले में, अपने घरों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों अहबाबों में अपने बेटियों की दीन की हिफाजत करें, उन्हें समझाएं, उनकी काउंसलिंग करें किस लिए बेटियाँ मुर्तद हो रही है। इनके ये भगवा लॉ ट्रैप के अंदर में इनकी पूरी स्ट्रेटेजी बनी हुई है कि किस तरीके से मुस्लिम बेटियों को मुर्तद किया जाए, दीन से दूर किया जाए और उनको भगवा लॉ ट्रैप में दाखिल किया जाए, ये आपको इज्जत से खेला जाए। ये आपकी हमारी सबकी अहम जिम्मेदारी बनती है कि हम बेटियों को मुर्तद होने से बचाएं और ये बेटियों को मुर्तद होने से बचाने के लिए हमें गफलत की नींद से दूर होना ज़रूरी है। हमें सिर्फ और सिर्फ हमारी जिम्मेदारी ये नहीं है कि हम सिर्फ नमाजें पढ़ें, हम सिर्फ खाना खाएं, हम सिर्फ दावत में जाएं। हमारी जिम्मेदारी ये भी है कि बेटियां जो मुर्तद हो रही है तहफ़्फ़ुज़े नामूस रिसालत पर जो हमले किए जा रहे हैं उस पर भी हम बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, वरना मैदान महशर जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हमसे सवाल करेंगे कि बताओ कि तुम्हें आँख दी गई थी, तुम्हें हाथ दिए गए थे, तुम्हें कान दिए गए थे, तुम्हें जिस्म सही सलामत दिया गया था, बताओ तुमने हमारी तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या किया, तो उस वक्त में हमारे मुँह से जबान
जो आवाज नहीं निकल पाएंगे कि हमने क्या किया था, आपकी बेटियां मुर्तद हो रही थी, आपने क्या किया था। तो मैदान महशर जब हमसे सवाल किया जाएगा तो सोचो कि हमारा जवाब बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। हम क्या किस मुंह से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र के इसमें हम चेहरा दिखा पाएंगे। तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है भाई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें जिस्म दिया है, ये ताकत दी है, ये शऊर दिया है, तो हमारी बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है कि हम तहफ्फुज़े नामू से रिसालत पर पहरा दे। और तहफ्फुज़े नामू से रिसालत पर पहरा देने के लिए ये एक दिन की जिम्मेदारी नहीं है भाई। हजरत अमीर हमजा का कलेजा चीरा गया, हजरत बिलाल को तपती रेत पर लिटाया गया, हजरत इमाम हुसैन को मैदान करबला में शहीद किया गया, तो ये हमें इस्लाम जो हमें मिला है ये आसानी से नहीं मिला है। दीन कुर्बानी मांगता है, तो कुर्बानी करने के लिए भाई हमें कोई जंग लड़ना नहीं है, हमें सिर्फ ये चीज को समझना जरूरी है कि अपने अंदर में बेदारी पैदा करें। हमारे जितने भी दोस्त अहबाब भाई बुजुर्ग है सबसे मैं गुजारिश करूंगा, अपील करूंगा, आप लोग अपने घर के घर में और इलाके में ये ध्यान रखें हमारी बहन बेटियां क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, किसके साथ उठना बैठना है, और दीन पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा हर जगह लगाना है। इस भाई का बात को ध्यान देना है आप सभी को, और आप तमाम लोगों से गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। देखिए इस वीडियो में एक लड़की है जो गैर मुस्लिम लड़के के साथ किस तरह ये चाय पी रही है, और चाय पीते हुए इस तरह गैरों के साथ है, आप वीडियो में देख सकते हैं। तो इस तरह का मामला बहुत ही ज़्यादा आ रहा है, आप लोग अपने बहन बेटियों के ध्यान रखें, और अल्लाह ताला तमाम हमारे बहन बेटियों को सलामत रखे। आप लोग आमीन लिखें।